आज मैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ का तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आज से 3 दिन पहले उन्होंने यहां के पूरे गंदे पानी की, यहां के कचरे की, यहां की पूरी जो जो दिक्कतें थी वो दिक्कतों की न्यूज़ बताए और कुछ पक्ष के लोग उसके बाद में जागे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे महल्ले के लोगों ने आपस में पैसे डिवाइड करके हर साल की तरह इस साल भी ट्रैक्टर की गाड़ियां वगैरह बुला के किसी के आने से किसी के जाने से कोई, ये जीत पूरे महल्ले के लोगों की है। आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल मीडिया नेटवर्क महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे फिर से आया है कदमबरी दरगाह पड़े गांव में। यहाँ पे जो हमने आपको बताया था कुछ वक्त पहले, जो यहाँ पर गंदे पानी का इशू हो रहा था, वो इशू को सॉल्व करने के लिए यहाँ के लोकल लोगों ने यहाँ पर कुछ काम किए हैं। यहाँ पर ये लोग ने अपने खर्च से कुछ ट्रैक्टर मंगाए हैं और भर्ती डाले हैं। इसमें कोई भी पार्टी का अमल दखल नहीं है। आइए ये लोगों से जानते हैं कि ये लोग ने कैसे किए और क्या उसका खर्च किए। आपका नाम बोलिए साहब। मेरा नाम शकील कुरैशी, महमूद कुरैशी, हाजी कासमबरी नगर वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे महल्ले के लोगों ने आपस में पैसे डिवाइड करके हर साल की तरह इस साल भी ट्रैक्टर की गाड़ियाँ वगैरह बुला के ट्रैक्टर बुलाए, उसमें मुरुम बुलाए, मुरुम डाल के होटल सवेरा से लेके कचरपट्टी के पूरे रोड पे ये हमारा जो है तो पूरा मुरुम यहाँ पे हम लोगों ने बिछाए। और मैं महानगर पालिका के कल विशाल साहब से भी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। मैं विशाल साहब को बताया था कि विशाल साहब आपके तरफ से कुछ हमारे को मुरुम चाहिए यहाँ पे और कचरा साफ करने के लिए, यहाँ का कचरपट्टी के पीछे का कचरे की गाड़ियाँ भेजो बोल के। तो उन्होंने सुबह में वो कचरे की गाड़ियाँ भी भेजे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कचरा उठा के जो है तो लेके भी गए और मुरम का भी काम चालू हुआ। इसके लिए मैं महानगर पालिका के विशाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि यहाँ पर कल परसों में कुछ पार्टी के लोग आए थे, MM पार्टी से आए थे, वो लोग ने आपको क्या सपोर्ट किए, उनकी वजह से यहाँ क्या काम हुआ है? वो सब पार्टी के लोग आए थे, उसमें MIM के थे, राष्ट्रवादी के थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे, शिवसेना के लोग थे और महल्ले के पूरे ही लोग थे। तकरीबन महल्ले के जो जिम्मेदार है वो लोग भी थे उनके साथ। ये सब ने मिल के जो है तो जोशी साहब से बात करे और जोशी साहब का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जोशी साहब भी एक्शन में आए और हमारे महल्ले की तरफ ध्यान दे के महल्ले का थोड़ा काम उन्होंने भी करे। जैसे कि हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आइए उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम बोलिए साहब। मैं शेख आसिफ, शेख महबूब, शिवसेना पक्ष में अभी हाल ही में मैं काम कर रहा हूँ शिवसेना पक्ष की तरफ से। आज मैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ का तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज से 3 दिन पहले उन्होंने यहाँ के पूरे गंदे पानी की, यहाँ के कचरे की, यहाँ की पूरी जो जो दिक्कतें थी वो दिक्कतों की न्यूज़ बताए और कुछ पक्ष के लोग उसके बाद में जागे और जागने के बाद में आए थे मदद के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताता हूँ कि पक्ष को मैंने परसों में हमारी जो बात हुई थी तो मैंने यही हुआ था कि मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि भाई ये पक्ष वो पक्ष, तो मैंने बोला भाई पक्ष को जो भी है पक्ष के पूरे जो है तो लोग को बाजू में रख करके आप बात करिए। यहाँ के लोगों का दुख दर्द और तकलीफ इस कदर है कि यहाँ सब पक्ष के लोग मिल करके काम कर रहे हैं और आज मैं मेरे कासमबरी नगर दरगाह के महल्ले के लोगों को ये पूरी जीत जो आज हुई है, जो काम शुरू हुआ, ये काम जो शुरू होने की जो कदार है जो है ये किसी पार्टी, किसी पक्ष, किसी लीडर या किसी के वजह से नहीं हुई। मैं पूरा ये जो आज जीत जो हुई है मेरे कासमबरी नगर दरगाह के लोगों की जीत हुई है और वो खांधे से खांधा लगाकर लोग जो हमारे साथ में कभी भी खड़े हुए हैं और कभी भी जो है तो यहाँ के विकास के लिए कभी भी साथ हमारे आते रहते हैं और उनकी ये जीत हुई है। किसी पार्टी अपने ऊपर अगर चाहे इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती है तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि उस दिन जो परसों के दिन जो MIM के कुछ लोग यहाँ पर आए थे वो लोग ने यहाँ के सर्वे किए तो उनकी तरफ से आप लोगों को क्या मदद मिली है? देखिए हमने आज से 10 दिन या 12 दिन पहले बूंगे साहब क्या थे वो साहब को हमने पूरे महल्ले के लोगों ने उनको भी यही तरीके से घेराव डाला था। पूरे महल्ले के लोग हम थे, हम आरिफ भाई थे, शकील भाई थे, मैं खुद था और बाकी हमारे मजहर भाई थे, सिद्दीक भाई थे हम और महल्ले के पूरी बस्ती जो है तो उस दिन भी यहाँ पर जो है तो उस
कचरे डिपो के अंदर हम सब लोग मौजूद थे और वहाँ पे वो साहब ने हमको जो है तो 5 दिन का आश्वासन दिया था और बदली करके चले गया था। तो बाद में उसको जो है तो यहाँ पे तकलीफ इस कदर हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा आपके जो चैनल ने जगाया है लोगों को, तो कुछ लोग मदद के लिए आए थे। और चलो ये तो किसी के आने से किसी के जाने से कोई, ये जीत पूरे मोहल्ले के लोगों की है और इसमें सब लोगों ने मिल के मेहनत करे, बस इतना। वैसे ही हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। साहब का नाम बोलिए। अखिल कुरैशी है मेरा नाम। ये जो काम हुआ है आज, ये काम किसकी तरफ से और कैसा हुआ है? अल्लाह ने काम कराया ये सब लोगों से, अभी बस्ती वाले ने बहुत मेहनत करे। तो इसमें ये जो पानी का मसला जो हो रहा था, वो मसला हल हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, बस वो थोड़ा सा पानी वो डाल दे रहे, मुरम डाल दे रहे हो, बाद में बरसात होंगी फिर मुरम हट जाएंगे, फिर वो पानी चालू हो जाएंगे बाद में। हमारा ये कहना है भाई, क्या यहाँ का रोड हमारे को बना के दो, जो जादव साहब ने हमको रोड बना के दिए थे, ये सरकार ने हमको रोड बना के देना, नहीं तो कॉर्पोरेशन वाले ने रोड बना के। मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ के रोड का काम हर साल यहाँ की जो आवाम है वो करवाती है। हाँ, उन्होंने भी कराए थे। अभी ये रोड का काम देखो, भी मुरम उरम सब लोगों ने डाले पैसे बस्ती वाले जमा करके। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा रोड बना के देना यहाँ काम, ये कचरा कुटी के सामने का, और यहाँ लाइटा भी होना 4-5। बस्ती वाले को जाने को बहुत परेशानी होती है यहाँ से शाम के टाइम पे। अब देखो कॉर्पोरेशन वाले देखो तुम सीधे मुरम डाल देंगे, मट्टी डाल देंगे, फिर पानी आएगा, फिर गड्ढा हो जाएगा बाद में। तो ये कॉर्पोरेशन की तरफ से हो रहा है काम या पब्लिक की तरफ? ये पब्लिक की तरफ से हो रहा है, ये सब पूरी पब्लिक ने बहुत मेहनत करी यहाँ पर। यहाँ पर मतलब और कुछ ट्रक वगैरह आएंगे इनके कचरे के तो फिर खराब होगा, तो उसके लिए आप क्या प्रशासन से मांग रहे हैं? बोलता कॉर्पोरेशन वाले ने सिर्फ आके यहाँ पर देखना बस। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के लोग ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किए है ये, और कोई पार्टी विशेष का इसमें अमल दखल नहीं है। ऐसे ही और ख़बरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके भी ऐसे कुछ मुद्दे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, इंशाल्लाह महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे की टीम उस पर ज़रूर अमल करेगी। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे।